Prime Minister Narendra Modi, addressing Shaurya Samman Sabha in Bhopal, said the Indian Army may not be the strongest army in the world, but on the parameters of humanity, discipline, conduct and behavior with civilians, the Indian Army is certainly on the top. जब सेना का हम स्मरण करते हैं तो उसका ज्यादातर चर्चा एक ही रूप की होती है, यूनिफॉर्म, हाथ में शस्त्र, आंखों में ज्वाला, जैसे हर पल दुश्मन की तलाश में हो। लेकिन कभी कभी ये भी सोचें कि भारत के सैन्य बल मानवता की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। कहीं पर भी प्राकृतिक संकट आया हो, पिछले कुछ दिनों में हम सबकी स्मृति में है बद्रीनाथ केदारनाथ का प्राकृतिक संकट, और पूरा देश के जवानों को अपने अपने स्थान से नमन कर रहा था, जिस प्रकार से वो जद्दोजहद करके आपत्ति में फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खपा देते थे। दो वर्ष पूर्व जब श्रीनगर में बड़ा भयंकर बाढ़ आई, पहली बार श्रीनगर ने इतनी भयंकर बाढ़ देखी। ऐसी समस्या से जूझना एक सरकार के लिए भी कठिन काम था। ऐसे समय देश ने देखा कि हमारे सेना के जवान श्रीनगर की इस वादियों में बाढ़ पीड़ितों के जीवन बचाने के लिए अपने आप को खपा रहे थे, और जब वो इन मुसीबत में फंसे लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको बचाने में लगे थे, ये मेरे सेना का प्रशिक्षण देखिए, मेरी सेना के भीतर पड़ी हुई उस मानवता देखिए कि कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो वो लोग हैं जो कभी पत्थर मारते हैं, कभी हमारी आंखें फोड़ देते हैं, कभी हमारा सर फोड़ देते हैं, कभी पत्थरों का हमला इतना भयंकर होता है कि मौत का शरण हो जाता है। ये सब अनुभव करने के बाद भी जब मानवता ने ललकारा, यही मेरे फौज के जवान, कल क्या हुआ था, किसने क्या किया था, इसका रत्ती भर मन में न रखते हुए उसकी भी जिंदगी मेरे देशवासी की जिंदगी है, उसको बचाने के लिए वो जी जान से जुटे रहे। पूरे विश्व में दुनिया के जो रक्षा बल है, सुरक्षा बल है, हो सकता है कि दुनिया के कई देशों के पास सैन्य शक्ति हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा होगी, लेकिन विश्व जब हमारे सुरक्षा बलों के भिन्न भिन्न पैरामीटर से मूल्यांकन करते हैं,
तो डिसिप्लिन, आचार, सामान्य नागरिकों के प्रति व्यवहार, इन सारे मानकों में भारत की सेना प्रथम पंक्ति में नजर आती है, पूरे विश्व में नजर आती है। आईएएनएस रिपोर्ट।